नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन ते भराओ अस्सलाम वालेकुम, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। आज वो सुरैकी दे अल्फाज लफ्ज या अल्फाज जेड़े हुण तक हुण यानी कि आम जबान ते आम कह नहीं रही है, उन्होंने बारे च आज मजीद मैं यानी त्रीजी वीडियो है, त्रीजा विलॉग है ये मैं करेंदा पिया। तो उम्मीद है तो पहले जेडे दूहे विलॉग हैं वो पसंद आए होते हैं। बहरहाल अहबाब दे कमेंट्स तो आते पे और माशाल्लाह यानी कि और वो भी पॉजिटिव। तो मैं तो ये भी आता कोई कोई गलती अगर कोई हो जाए सिलसिला थी भी वेंदे तो वो पॉइंट आउट करते दसा भी दो ताकि मैं उनकी तसीह कर सकता। कोई लफ्ज यो जहाँ होंगे कि जिंदी मैं उसको सही तरीके नाल उनकी अदायगी नहीं कर सकया या कोई सही तरीके नाल नहीं थोड़ा को समझा सकया तो वह भी तुसा मैं को दसा सकते। बहरहाल एक बच्ची ने बेटी ने गुजारिश की थी भी जेड़ा है तुसा जिमें लफ्ज है वह को थोड़ा जा मजीद एक्सप्लेन कर दिता करो। हूँ मेरी कोशिश तो हतल विसा यो होती है कि मैं उसको मजीद उसको अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन करेगा रहे वजह। तो बहरहाल कोई अगर कमी बेची या डेफिशिएंसी जिमें अंग्रेजी चाहते कोई रह वी तो उन्हें वो वाल माजरत। बहरहाल मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है और मैं को वैसे ही सुरैकी अदब नाल सुरैकी जबान नाल मैं को बहु उनसे मोहब्बत है प्यार है। तो वैसे ही मैं वल दोबारा आदा कि मिठी जबान है अंग्रेजी भी मैं आदा हूँ कि आई लाइक सुरैकी वेरी मच और अल्लाह करे साडा जिहड़ा जिहड़ा सुरैकी वसेब है साडे सुरैकी भेण भरा हैं अल्लाह उन्हां को सलामत भी रखे ताकि ये लफ्ज जिहड़े हैं ना ये एक पहचान है। जबान जाहिर है भी एक पहचान है इलाके की इलाके दे वैसे मैं ये भी पहले दसाया भी लहजे तो फर्क थी सकते लेकिन ये जड़ी जबान है उन्दे च इतना ज़्यादा फर्क है नहीं और ये पाकिस्तान च इंदा फैलाव बहुत ज़्यादा है। इहो जी मिलती जुलती जबान जड़ी है वो सिंधी भी तकरीबन इंदे नाल ही मिलती है लेकिन उन्दे लफ्ज भी ज़रा थोड़े मुश्किल हैं लेकिन क्योंकि सुरैकी इलाका है सुरैकी इलाके के रिहायशी हैं लिहाजा साको इन्हें ज़्यादा अबूर हासिल है लेकिन इतना भी कह नहीं जितना एक कोई आख रहे सी मैं जेड़े पुराने बुजुर्ग हैं या जेड़े लिटरेचर को बहुत ज़्यादा जान दें तो मैं तो तिफले मकतब हाँ एक किस्म का। बहरहाल कोशिश तो यही हो कि एक ज़्यादा से ज़्यादा सुरैकी अदब को सुरैकी जबान को प्रमोट करूँ। बाहर सुरैकी शोरा ने इन सिलसिले बहुत ज़्यादा खिदमात सारा अंजाम दिते तो हूँ तक उन्होंने शेरो शायरी जी वो बहुत मशहूर है और वो जल्दी खड़ी है। बहरहाल थोड़ा वसेब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हूँ मैं कुंवल दोबारा ओल अल्फाज उन जड़ा मैं जितना तक किया वो तो अगे को कंटिन्यू करें जारी। हट्टी आदन हट्टी दुकान को आदन यानी देहाती दूर दराज लफ्ज इस्तेमाल थी वे लेकिन अक्सर हम शहरी इलाकों अरबन एरियाज लफ्ज हूँ दुकान हूँ आम तौर पर बुलेंदे अस भी तो हट्टी जड़ा है ये लफ्ज जड़ा है तकरीबन हमने बहुत पुराना थी गया। बुखार थी वेंदे बाल को या कहीं को नौजवान को या भेण को कहीं बेटी को कोसा आदन कोसा थी गए यानी कि बुखार को आदन कोसा। चुटिया गोत इंदे गोथ इंदे बारे च मैं थोड़ा को दसाया तुसा थोड़ी देर को अपने चले हुए हैं बॉडी बॉडी ये मैं थोड़े को पहले भी दसा रहा लकड़ियाँ वनाठियाँ आदन ये लकड़ियाँ वो होंगे जेड़े असा कपाह कपाह की जड़ी
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਸਲ ਖਤਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਨਾਠੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਆਦਨ ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਹੁ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੌਂਗੜਾ ਸੀਨ ਵੋ ਨੂਨ ਗਾਫ ਅੜੇ ਅਲਿਫ ਸੌਂਗੜਾ ਬਾਹਰ ਬਨਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਥੀਂਦਾ ਵੇਂਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਛਟੀਆਂ ਆਦਨ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ये लफ्ज जो है ये उर्दू एक आदन हूँ डीएच अगर अस आते छण छण यानी हफ्ते को आदन हफ्ते दे डी को हफ्ते को आदन छण छण यानी ये सुरैकी जबान का लफ्ज है बहु मिठा लफ्ज है और ये लफ्ज आम तौर पर हम शहर कहें नहीं लेकिन देहात वाल भी इस्तेमाल थी वेंदे हूँ प्लाट है एक यानी कि जमीन है उनका जमीन का एक खिता है उकु डहर उकु डाल अलिफ हेर है डहर भी आते हैं ये सुरैकी का लफ्ज है हूँ परात है परात को जिंद वी परात होंगी है पहले जमाने तो उन पूरा यानी कि हलवा उनके चाह वा तो हलवा यानी चार पाँच डा सत अठ लोग इर्द गिर्द उन्हें बहते आले दुआले तो वो वाल उन खाते हैं तो वह परात हूँ भी चावलों वास्ते भी इस्तेमाल थी है बाहर हाल उकु थाल भी आते हैं पितरोटा पितरोटा भी आते हैं ये बहु पुराना लफ्ज है पितरोटा बाहर थाल आला लफ्ज हूँ भी इस्तेमाल थी वेंदे पायल होंगी है एक जड़ा बच्चियां या औरतां इस्तेमाल करें दें ए लाते च या गिट्टे दे नाल उको पाजेबां भी आ दें और त्रोड़े ये बहु पुराना लफ्ज है त्रोड़े बहु पुराना है पाजेबां दा लफ्ज तो वैसे मैं ए ता हे अज फिलहाल अजन भी है ते पायल उर्दू दा लफ्ज है हुण कब आदन कब कडोक कडोक दा कडोक यानी कब कडोक दा गयो गई या कब का गया गया हुआ है कडोकना या कडोकना भी आदन कडोक या कडोक दा गडोक दा या कडोकना भी एक आदन इवें हुण जानवर को जनावर आदन जनावर लेकिन हुण जनावर तो नहीं आते लेकिन आम तौर पर हुण नवीं जिहड़ी जनरेशन है नवी नसल है वह जानवर ही आती है ढांडे लफ्ज ढांडे भी सुरैकी का लफ्ज है जिमें जनावर है इवें ढांडे भी लफ्ज है सुरैकी का हुण जिहड़ी शुमाल वाली साइड है एक आम तौर पर सुरैकी है डखण आदन डखण यानी ये जेडे वेले कणकां दी पक ते इन्हां दी कणक कढ़ेंदे हन गहेंदे हन इक डांदां दे नाल ते उं वेले इक वल जेडे वेले पंजाली नाल उड़ेंदे हन ते तूड़ी इक साइड ते थी वेंदी ते दाणा कणक इक साइड ते थी वेंदी ते ओ इंतजार हुंदा कि डखण चलसी डखण दी हवा घुलसी ਡੱਖਣ ਦੀ ਹਵਾ ਘੁਲਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਥੀ ਸੀ ਅਲੱਗ 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 ਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡੱਖਣ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋ ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋ ਸੁਰੈਕੀ ਇਹ ਚਾਹਦਨ ਡੱਖਣ ਆਦਨ ਡੱਖਣ ਦੀ ਹਵਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਘੁਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਠੂਠਾ अंगूठा वैसे ये उर्दू का लफ्ज है तो एक आ दिन ठूठा ठूठा लफ्ज है सुरैकी का मूँह को थोबड़ा भी आ दिन थोबड़ा सुजाई खड़ी खैर है अज मूँह सुजाई खड़ी उवे भी सुरैकी भी ये लफ्ज मूँह सुजाई खड़ी लेकिन ये भी सुरैकी का लफ्ज है पुराना थी है थोबड़ा भी ये थोबड़ा अज अजीबो गरीब तेरा थोबड़ा अजीबो गरीब नजर आता पे चौकी यानी चट्ठी चौकी चौकी यानी कि ज़्यादा चौकी एक पुराना थोड़ा जहा लफ्ज़ है या चट्ठी
ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦਿੱਗੀ ਦਿੱਗੀ ਦਾਲ ਗਾਫ ਦਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਲਾ ਦੇ ਗਾਫ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦਿੱਗੀ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਔਰ ਡਸਾਇਆ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲੀ ਥਾਲ ਮੈਂ ਡਸਾਇਆ ਤਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਸੁਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਠਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ 1964 ਜਾਂ 65 ਜਾਂ 66 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਯੂਬ ਦੌਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਹਰੂ ਉਹ ਵੱਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤ ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹੇਦਾ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਡਿਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੀ ਗਏ ਉਹ ਆਖੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਠਲ ਚਾੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬੱਠਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਨ ਛਿੱਕ ਦੇ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਇਹ ਵੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਬੱਠਲ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹਾ ਉਹ ਟੱਬ ਵੀ ਆਦਨ ਉਹ ਕੋ ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਬੱਠਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਆਦਨ ਲੁਕਾਰ ਸੁਰੈਕੀਏ 'ਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਗਿੰਦੇ ਸਾਂਪ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਟ ਲਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਗ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗ ਜਾਂ ਕੱਖ ਸਿੰਘ ਗਏ ਕੱਖ ਸਿੰਘ ਗਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਤਰੂਕ ਸੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੱਖ ਸਿੰਘ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਪ ਗੁਆ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾਗ ਨਾਗ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਪ ਹੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਗਧਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਗਧਾ ਗੱਡਾ ਖੋਤਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿਰੁਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿਰੁਕ ਯਾਨੀ ਲੇਟ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚਿਰੁਕ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੇਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੈਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਿਰੁਕ। ਹੁਣ ਛੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਬੀ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਛਾਬੀ ਵੀ ਆਦਨ ਯਾਨੀ ਛੱਬੀ ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਵਡੇਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਵੀ ਆਦਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਸੇਲ ਇੱਕ ਆਦਨ ਸੇਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਕਾਟ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਨ ਚੁਕਾਟ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਕੋ ਪਤਰੋਟਾ ਖੰਡੜਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਮੇਜ ਖੱਟਾ ਕਪਾਸ ਕੁੱਟੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾ ਦੇਣ
तला घास जरा मैदान होंगे एक भी तला ही अज दे जड़ा है मेरे को कुछ अल्फाज सुरैकी जबान दे ते इहदे नाल यानी कि त्रीजा है त्रीजी वीडियो है ते थोड़े नाल इहो है क्योंकि वसेब है एक मैं तो एक फैमिली ही समझदा चैनल को तुहाडे कोलों इहो रिक्वेस्ट है कि तुसां इक सबसक्राइब भी कर दिओ ते इक अपने अपने जिहड़े हल्का अभाव है उन्होंने तुसा एक शेयर भी कर दियो बाकी यदि बैल कौन बैल आईकॉन है वो प्रेस कर दियो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है जो ही वीडियो अपलोड थी उनका नोटिफिकेशन आ वेंदे वो थोड़े को आवे सी तो तुसा उसको फौरन देख भी गिनसो लिहाजा ये तुसा मेहरबानी करे सो और एक शेयर लाजमी करे सो इन नाल ही मैं थोड़े को इजाजत चाहना ये वाल अगले जड़ा हूँ व्लॉग आसी या वीडियो आसी उन्दे चुवाल इंशाल्लाह वाल दोबारा मुलाकात थी सी और उन वेले तक रब रखा अल्लाह थोड़ा हामी और नासिर होवे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे खुदा हाफिज़।